500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंक काउंटरों से नहीं बदलवाया जा सकेगा। जी हां, यह फैसला गुरुवार आधी रात से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आज से इन नोटों को अब सिर्फ बैंक में जमा कराया जा सकेगा। ऐसे नोटों को जमा कराने की अवधि 30 दिसंबर तक है। सरकार ने कल नोटबंदी से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि गुरुवार आधी रात के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैंक काउंटर से नए नोटों में बदला नहीं जा सकेगा। अब ये नोट केवल जमा कराए जाएंगे। वैसे सरकार ने राहत देते हुए कई जगहों पर 500 रुपए के पुराने नोटों के प्रयोग की मियाद बढ़ा दी है। 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपए के पुराने नोटों का उपयोग कई सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। इन नोटों का प्रयोग अभी भी बिजली और पानी के बिलों के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। साथ ही इनका इस्तेमाल पेट्रोल पंप और दवा दुकानों पर किया जा सकेगा। इसका मतलब साफ है कि अब 1000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने राहत देते हुए टोल टैक्स पर भी पुराने 500 के नोटों को 15 दिसंबर तक प्रयोग में लाए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 2 दिसंबर तक टोल टैक्स फ्री कर दिया था। वहीं विदेशी नागरिक भी हर हफ्ते 5000 रुपए तक की विदेशी करेंसी को एक्सचेंज करा सकेंगे, लेकिन उनके एक्सचेंज कराने पर पासपोर्ट पर इस बारे में एंट्री की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों, नगर परिषद और स्थानीय निकाय के स्कूलों में प्रति छात्र 2000 रुपए तक की फीस 500 के पुराने नोट के जरिए अदा की जा सकेगी। मोदी सरकार की तरफ से 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले के बाद से सरकार हर दिन नए नए नियम बना रही है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बढ़ रहा है। लेकिन यहां साफ कर दें कि 1000 के नोट अब प्रचलन से पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।